हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। देखिए, कंप्यूटर टीचर की जो हमारी लेक्चर सीरीज है, इसका ये वीडियो नंबर 19 है, ठीक है, जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम जो है कंप्यूटर का एक जो इसका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो टॉपिक है महत्वपूर्ण, वो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। इसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर है वो सारा इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, महत्वपूर्ण है, ठीक है। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शुरुआत यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले देखिएगा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको इसमें जानेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम जो कंप्यूटर है उसको जानेंगे, कंप्यूटर क्या है और उसके जो टाइप्स है उसको यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। देखिएगा कंप्यूटर क्या है, सबसे पहले तो ये जानते हैं कंप्यूटर क्या होता है। देखिएगा, ये कंप्यूटर कैन बी डिफाइंड एज ए फास्ट इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग मशीन। एक तरीके से इसको आप कह सकते हैं कि फास्ट इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग मशीन है, जो कि एक्सेप्ट डेटा, डिजिटाइज्ड इनपुट, जो डेटा है उसको यहाँ पर एक्सेप्ट करती है इनपुट की फॉर्म में। डेटा क्या करती है, इनपुट की फॉर्म में जो है एक्सेप्ट करती है। फिर जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो इनपुट होता है हमारा, उसको यहाँ पर जो है जो स्ट्रक्चर है उसकी, उसके अंदर क्या करती है, ये इसको प्रोसेस करती है डेटा को, ठीक है। और एज पर द लिस्ट ऑफ इंटरनली स्टोर्ड इंस्ट्रक्शन, जो इंटरनल जो स्टोर्ड इंस्ट्रक्शन होते हैं उनके अनुसार एज एंड प्रोड्यूस द रिजल्टिंग इन्फॉर्मेशन। और उसके बाद में हमें क्या मिलता है, जो रिजल्ट है उसका आउटपुट की फॉर्म में वो हमें प्राप्त होता है। तो ये जो प्रोसेस होता है पूरा का पूरा ही कंप्यूटर के अंदर, तो यहाँ पर जो है इसीलिए यहाँ पर इसको कंप्यूटर नाम दिया है, ठीक है। यहाँ पर लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन आर कॉल्ड प्रोग्राम, इंटरनल स्टोरेज इज कॉल्ड कंप्यूटर मेमोरी। जो हमने इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसको, ठीक है, वो क्या कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है। और जो इंटरनल स्टोरेज में जो वहाँ पर ये प्रोग्राम सेव होता है उसको कंप्यूटर मेमोरी कहा जाता है। अब यहाँ पर कंप्यूटर के जो टाइप्स है वो थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिएगा, कंप्यूटर के टाइप में एक होता है आपका पर्सनल कंप्यूटर, एक होता है नोटबुक कंप्यूटर, एक वर्क स्टेशन, एक एंटरप्राइज सिस्टम, एक सुपर कंप्यूटर। बेसिक डेफिनेशन की अगर बात करते हैं तो जो पर्सनल कंप्यूटर होता है ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर होता है, जो फाउंड इन होम्स, स्कूल्स, बिजनेस ऑफिस वगैरह में जो हम कॉमनली यूज करते हैं वो पर्सनल कंप्यूटर होता है हमारा, ठीक है। नाम से आपको पता चल रहा है पर्सनल होता है हमारा एक पर्टिकुलर कंप्यूटर, ठीक है। इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर विथ प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज यूनिट अलॉन्ग विद द वेरियस इनपुट आउटपुट डिवाइसेज। दूसरा आता है आपका नोटबुक कंप्यूटर, दीज आर कॉम्पैक्ट एंड पोर्टेबल वर्जन ऑफ पीसी। नोटबुक का पता ही आपको, एक पोर्टेबल या फिर कॉम्पैक्ट या मतलब कि एक लाइट वर्जन है आपका पीसी का, ही एक जो है एडवांस्ड वर्जन होता है आपका नोटबुक, ठीक है, जो आप लैपटॉप वगैरह के फॉर्म में देख सकते हैं। एक यहाँ पर देखो होता है वर्क स्टेशन, वर्क स्टेशन की अगर बात करते हैं, दीज हैव हाई रिजोल्यूशन इनपुट आउटपुट ग्राफिक्स कैपेबिलिटी बट विथ सेम डायमेंशन एज द डेस्कटॉप कंप्यूटर। ये डेस्कटॉप जो कंप्यूटर होते हैं उसी की आकार का होता है, ज़्यादा बड़ा हैवी कुछ नहीं होता है, लेकिन इसमें जो यहाँ पर जो रिजोल्यूशन होते हैं इनपुट आउटपुट के वो ज़्यादा हाई होते हैं, ग्राफिक्स कैपेबिलिटी वो जो है काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। दीज आर यूज्ड इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस ऑफ इंटरेक्टिव डिजाइन वर्क। तो ये जो इस तरीके के जो वर्क स्टेशन जो कंप्यूटर्स हैं वो मोस्टली इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में यूज किए जाते हैं, जो ग्राफ्स वगैरह, जो ग्राफिक्स किसी भी, मान लीजिए जैसे कि किसी भी चीज़ का ग्राफिक्स डिजाइन करना है तो उन चीज़ों के लिए इसको यूज किया जाता है। एक होता है एंटरप्राइजेस सिस्टम, एंटरप्राइजेस सिप्स, नाम से आपको पता चल रहा है कि जो सिस्टम्स हैं वो बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है इन द मीडियम टू लार्ज कॉरपोरेशन दैट रिक्वायर मच मोर कंप्यूटिंग पावर एंड स्टोरेज। ऐसे कंप्यूटर्स क्या होते हैं जिनको यहाँ पर कॉरपोरेशन में, लार्ज कॉरपोरेशन जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है उनके अंदर यूज किया जाता है इनको, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है पावर कंज्यूम करते हैं और यहाँ पर काफ़ी जो है स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है इनकी, ठीक है। देखिए, इनकी जो कंप्यूटिंग पावर है, कंप्यूटिंग पावर जो गणना पावर है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके बाद में एक होता है सुपर कंप्यूटर आपका, सुपर कंप्यूटर की बात करें तो दीज आर यूज फॉर लार्ज स्केल न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड इन एप्लीकेशन लाइक वेदर फोरकास्टिंग एटीसी। इस तरीके के सुपर कंप्यूटर्स जो है, जो हमारे जैसे कि मौसम का जो फोरकास्टिंग है उसको यहाँ पर करने में यूज़ किया जाते हैं, जो हमारा जो मतलब कि सौर मंडल है या फिर जो हमारे जो ब्रह्मांड वगैरह की जो चीज़ें हैं उनको कैलकुलेट करने में, उनसे संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है उनको यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए इनको यूज किया जाता है। तो सुपर कंप्यूटर ये जो है यहाँ पर है, जो कि साइज में काफ़ी ज़्यादा लार्ज भी होते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, हमने कंप्यूटर और कंप्यूटर के टाइप्स जो है जान लिए। अब यहाँ पर एक होता है फंक्शनल, कंप्यूटर के जो फंक्शंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, आपसे पूछ लीजिए कंप्यूटर में कितने फंक्शंस या कौन कौन से फंक्शंस। कंप्यूटर की जो फंक्शंस यूनिट होती है वो कौन सी है, जिस तरीके से आपसे पूछ लिया जाए, तो फंक्शंस यूनिट की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके जो फंक्शंस यूनिट में जो मेन पार्ट होते हैं वो पांच होते हैं। कौन से होते हैं, एक तो आपका इनपुट पार्ट हो गया,
एक आपका यहाँ पर कौन सा पार्ट हो गया, आउटपुट पार्ट हो गया, यानी कि इनपुट आउटपुट दो तो ये हो गए, एक हो गया आपका मेमोरी, ठीक है, और एक हो गया ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जिसको आप कहते हैं, ठीक है, और एक हो गया आपका कंट्रोल यूनिट जिसको CUB कहा जाता है शॉर्ट में, ठीक है। तो ये होते हैं मेन फंक्शंस जो होते हैं इसके, वो होते हैं कंप्यूटर के, ठीक है। इसमें एक तो इनपुट हो गया, एक आउटपुट हो गया, एक मेमोरी हो गई, एक यहाँ पर आ गया हो गया आपका पर ALU, और एक हो गया कंट्रोल यूनिट। जो यहाँ पर ALU और जो कंट्रोल यूनिट है, ये आपका प्रोसेसर का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? ये आपका प्रोसेसर है पूरा का पूरा, मान लीजिए डायग्राम में, और ये प्रोसेसर है पूरा, और इसमें जो स्थित होते हैं, एक तो ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो है इसका हिस्सा होता है, और एक कंट्रोल यूनिट जो है इसका हिस्सा होता है प्रोसेसर का, ठीक है। मेमोरी एक हो गई स्टोरेज के लिए, इनपुट आउटपुट जो है, इनपुट और आउटपुट, ये इनपुट आउटपुट का पार्ट होता है, ठीक है आपका, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब वन बाय वन थोड़ा सा इसको अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले अगर बात करते हैं, इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट द कोडेड इन्फॉर्मेशन एज सोर्स प्रोग्राम। जो यहाँ पर इनपुट डिवाइसेज हैं वो क्या करती है, कोडेड इन्फॉर्मेशन को सोर्स प्रोग्राम की तरह यहाँ पर क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। जैसे कि हाई लेवल लैंग्वेज हो गई आपकी, दिस इज आइदर स्टोर्ड इन द मेमोरी और इमीडिएटली यूज बाय द प्रोसेसर टू परफॉर्म द डिजायर्ड ऑपरेशन। यहाँ पर ये क्या होती है, या तो जो है आपकी कंप्यूटर की मेमोरी में पहले से स्टोर होती है, या फिर जो इमीडिएटली तुरंत जो है इसको यूज किया जाता है प्रोसेसर, बाय द प्रोसेसर टू प्रोसेसिंग द स्टेट, प्रोसेसिंग द डिजायर्ड ऑपरेशन, जो हमें डिजायर्ड यानी कि जो जरूरत है जिस आउटपुट की, उसको यहाँ पर देने के लिए इसको प्रोसेस करता है, ठीक है। द प्रोग्राम स्टोर्ड इन द मेमोरी डिटरमाइन द प्रोसेसिंग स्टेप्स। बेसिकली द कंप्यूटर कन्वर्ट वन सोर्स प्रोग्राम टू एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इन टू, जैसे कि मशीन लैंग्वेज, ठीक है। तो जैसे कि हाई लेवल लैंग्वेज है, उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, या फिर जो भी कोई इनपुट दिया हमने उसको यहाँ पर प्रोसेस करके वो हमें आउटपुट देता है, जो डिजायर्ड आउटपुट हमें चाहिए होता है, ठीक है। फाइनली द रिजल्ट आर सेंड टू आउटसाइड वर्ल्ड वाइड थ्रू आउटपुट, और बाद में लास्ट में जो मतलब कि जो रिजल्ट है, जो प्रोसेस वगैरह हुआ है उसके अंदर, उसके बाद में जो आउटपुट है वो हमें आउटपुट डिवाइस के जरिए मिल जाता है, ठीक है। ऑल ऑफ दीज एक्शन आर कोऑर्डिनेटेड बाय द कंट्रोल यूनिट, और जितना भी हुआ है, जितना भी ये प्रोसेसिंग हुई है, जो एक्शन हुआ है, जो इनपुट में जो डेटा इन हुआ है, जो प्रोसेसिंग हुई है, जो जो कमांड्स वहाँ पे यूज हुई है, ठीक है, जो जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ठीक है, और जो आउटपुट मिला है फिर हम बाद में, वो सारा का सारा जो है किसके द्वारा, कंट्रोल यूनिट के द्वारा प्रोसीड होता है। कंट्रोल यूनिट जो है जितने भी कमांड्स वगैरह देने होते हैं, जितने भी उसको हैंडल करना होता है डेटा को, किस तरीके से कमांड देने हैं, क्या क्या कमांड देने हैं, वो सारे इस कंट्रोल यूनिट के जरिए परफॉर्म होते हैं आपके। सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट यूनिट्स की। इनपुट यूनिट में जो है अगर बात करते हैं, तो जो सोर्स प्रोग्राम है, जैसे कि हाई लेवल लैंग्वेज हो गया, या फिर कोई सोर्स प्रोग्राम लैंग्वेज हो गया, या फिर कोडेड इन्फॉर्मेशन हो गया, सिंपली कोई डेटा फीड कर रहे हैं आप कंप्यूटर के अंदर थ्रू इनपुट डिवाइसेज, लाइक कीबोर्ड इज मोस्ट कॉमन टाइप, ये इनपुट का मोस्ट कॉमन टाइप है कीबोर्ड, ठीक है। वेन एवर ये की इज पास्ड, वन क्रॉस पेंडिंग वर्ड और नंबर इज ट्रांसलेटेड इन टू द इक्विलेंट बाइनरी कोड और ए कैपेबल एंड फीड आइदर इन मेमोरी और प्रोसेसर। जैसे ही हमने डेटा को इनपुट किया, ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ कि वो जो है आउटपुट होते ही उस डेटा को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, कंप्यूटर लैंग्वेज में, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, बाइनरी कोड में वो डेटा कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर कह रही जीरो और वन को समझता है, बाइनरी डेटा को समझता है। वो डेटा जो भी हमने फीड किया है, ठीक है, वो क्या होगा, उसमें आपका जो है कन्वर्ट होगा बाइनरी कोड में, और या तो वो जो है आपका मेमोरी में सेव हो जाएगा, या फिर आपका जो है प्रोसेसर में चले जाएगा, प्रोसेस के लिए जो है प्रोसेसर में चले जाएगा वो डेटा। अब यहाँ पर देखिएगा, इनपुट के फॉर्म में जो है हम जॉयस्टिक्स का यूज करते हैं। जॉयस्टिक्स आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, ये पहले हमने पढ़ लिया है, लेकिन थोड़ा सा एक बार फिर से इसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा इनपुट डिवाइस के। एक तो जॉयस्टिक हो गया, एक ट्रैक बॉल हो गया, माउस हो गया, स्कैनर, ये सारे के सारे जो है इनपुट डिवाइसेज है। एक आपका कीबोर्ड हो गया, और भी है, ठीक, तो मैन, और ये आपको ध्यान रखना है। जो एक होता है मेमोरी यूनिट, इनपुट यूनिट में हमने पढ़ लिया कि इनपुट यूनिट क्या होता है, और यहाँ पर उसके बाद में आता है मेमोरी यूनिट। इट्स फंक्शन इन टू स्टोर प्रोग्राम एंड डेटा, इट इज बेसिकली टू टाइप्स। ये क्या है, एक फंक्शन है जो कि मेमोरी यूनिट जो है एक डेटा को स्टोर करने के लिए, इसको डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी को यूज किया जाता है। मेमोरी बेसिकली दो टाइप की यहाँ पर जो है जानी जाती है, एक तो प्राइमरी मेमोरी होती है, और एक सेकेंडरी मेमोरी। जो यहाँ पर जो बेसिक जो मेमोरी का टाइप है, एक तो प्राइमरी टाइप होता है, और एक आपका सेकेंडरी टाइप होता है,
ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है प्राइमरी में और सेकेंडरी में, ठीक है ये हम जान लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी की अगर बात करते हैं, इज द वन एक्चुअली एसोसिएटेड विद द प्रोसेसर एंड ऑपरेट एट द इलेक्ट्रॉनिक स्पीड प्रोग्राम मस्ट बी स्टोर्ड इन द मेमोरी वाइल दे आर बींग एक्जीक्यूटेड। द मेमोरी कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ सेमी कंडक्टर स्टोरेज सेल इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन दीज आर प्रोसेस्ड इन ए ग्रुप ऑफ फिक्स्ड साइड कार्डबोर्ड। देखिएगा यहाँ पर इसमें क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ देखिएगा, देखिए इस जो ये जो हम प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहे हैं इसमें प्रोग्राम जो है जो मतलब कि जो है वो स्टोर होता है। प्राइमरी मेमोरी में जो प्रोग्राम है या फिर जो भी हमारा जो डेटा है वो प्रोसेस होते वक्त स्टोर होता है या फिर जो एग्जीक्यूटेड हो रहा है उस टाइम तक स्टोर रहता है। ये इसकी खासियत है, ध्यान रखिएगा। मेन जो इसका मतलब कि जो इसको अलग बनाता है सेकेंडरी मेमोरी से वो यही है कि ये जो है क्या करती है प्राइमरी मेमोरी, ये केवल और केवल डेटा को तब तक रखती है जब तक या तो वो प्रोग्राम जो है क्या हो रहा हो प्रोसेसिंग में हो, कोई भी जो डेटा है हमारा वो प्रोसेस हो रहा हो और या फिर जो है वो एग्जीक्यूटेड हो रहा हो प्रोसेस होने के बाद, तब तक के लिए ही ये डेटा जो है सेकेंडरी हमारा जो मतलब कि ये डेटा है वो सेकेंड जो प्राइमरी मेमोरी है उसमें स्टोर रहता है। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जैसे ही उसके बाद में हमने जो जो हमारा प्रोग्राम जो हमारा सिस्टम है उसको जो टर्मिनेट किया जैसे ही, तो वो आपका जो मेमोरी है वहाँ से वो आपका डेटा रिमूव हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो है ये प्राइमरी मेमोरी है और ये शॉर्ट टाइम के लिए शॉर्ट डेटा को स्टोर करती है, कम समय के लिए कम डेटा को ये स्टोर कर पाती है प्राइमरी मेमोरी। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये मेन डिफरेंस है। और ये केवल जब तक हमारा जो डेटा है वो प्रोसेस हो रहा है या एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक के लिए ही वो डेटा को जो है स्टोर करके रख पाती है, उसके बाद में ये नहीं रख पाती है, हमारा डेटा डिलीट हो जाता है। ठीक है, जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ डेटा डिलीट। यहाँ पर देखिएगा मेमोरी कंटेन लार्ज नंबर ऑफ सेमी कंडक्टर स्टोरेज सेल, इसमें क्या है छोटी छोटी सेल्स होती है मेमोरी के अंदर जो सेमी कंडक्टर से बनी होती है, जिसमें यहाँ पर जो है इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग वन बिट इन्फॉर्मेशन, जो प्रत्येक सेल में जो है एक बिट स्टोर होता है डेटा। दीज आर प्रोसीड इन ए ग्रुप ऑफ फिक्स्ड साइट कॉल्ड वर्ड, और जो ये डेटा है एक ग्रुप ऑफ फिक्स्ड साइट के रूप में जो है प्रोसीड होता है जिनको वर्ड कहा जाता है। टू प्रोवाइड इजी एक्सेस टू ए वर्ड इन मेमोरी ये डिस्ट्रिक्ट एड्रेस इज एसोसिएटेड विथ ईच वर्ड लोकेशंस, ठीक है। एड्रेस आर नंबर दैट आइडेंटिफाई मेमोरी लोकेशंस, यहाँ पर देखिएगा प्रत्येक वर्ड को जो है एक उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या किया जाता है, उसको एक एड्रेस दिया जाता है, एड्रेस जो है वो दिए जाते हैं। एड्रेस क्या होता है, एड्रेस आर नंबर दैट आइडेंटिफाई मेमोरी लोकेशन, और एड्रेस जो है नंबर होते हैं जो कि मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के काम में आते हैं। चलिए आगे यहाँ पर देखिएगा आगे क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ बिट्स इन ईच वर्ड इज कॉल्ड वर्ड लेंथ, और जो प्रत्येक बिट के अंदर जो यहाँ पर जो प्रत्येक जो नंबर ऑफ बिट्स इन ईच वर्ड, प्रत्येक वर्ड के अंदर जो नंबर ऑफ बिट्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, वर्ड लेंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्ड लेंथ कहा जाता है ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर की वर्ड लेंथ किससे कहा जाता है, जो यहाँ पर प्रत्येक वर्ड की जो बिट नंबर होता है नंबर ऑफ बिट्स उसमें कितने बिट्स जो है डेटा है उसको यहाँ पर वर्ड लेंथ ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। प्रोग्राम मस्ट रिसाइड इन द मेमोरी ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, इंस्ट्रक्शन एंड डेटा कैन बी रिटर्न इन टू द मेमोरी और रीड आउट अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोसेस। उसके बाद में देखिएगा मेमोरी इन विच एनी लोकेशन कैन बी रीच्ड इन ए शॉर्ट एंड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम आफ्टर स्पेसिफाइंग इट्स एड्रेस इट कॉल रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पर देखिएगा, देखिए जिस मेमोरी में हम जो है जो डेटा है उसको एक फिक्स्ड अमाउंट में और एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम में अगर उसको स्टोर कर रहे हैं या फिर वो स्टोर हो रहा है जहाँ पर वो शॉर्ट टाइम के लिए और शॉर्ट डेटा जो स्टोर हो रहा है उस मेमोरी को आप क्या कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, इसको शॉर्ट में आप रैम कहते हैं। तो रैम में जो डेटा है वो केवल प्रोसेसिंग के समय तक ही प्रोजेक्टेड टाइम के समय तक ही जो है डेटा वो स्टोर रहता है, बाद में रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा इसमें जो है टाइम शॉर्ट टाइम के लिए डेटा स्टोर होता है और यहाँ पर शॉर्ट डेटा स्टोर होता है, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को आप इसमें स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। द टाइम रिक्वायर्ड टू एक्सेस वन वर्ड इज कॉल्ड मेमोरी एक्सेस टाइम,
एक वर्ड को एक्सेस करने के लिए जो टाइम की रिक्वायर होती है, जितना टाइम चाहिए होता है हमें, उसको मेमोरी एक्सेस टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? मेमोरी एक्सेस टाइम। मेमोरी विच इज ओनली रीडेबल बाय द यूजर एंड कंटेंट ऑफ विच कांट बी अल्टरेड इज कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी। इट कंटेन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको रीड ओनली मेमोरी को हम क्या कहते हैं शॉर्ट में? रोम कहते हैं। देखिएगा फिर से यहाँ पर समझिएगा, वह मेमोरी जो रीडेबल हो ओनली, जिसमें मेमोरी जिसमें कंटेंट जो है केवल रीडेबल हो बाय द यूजर, यूजर के द्वारा केवल रीड कर सकता हो उसको, उसमें कोई भी फेर बदल ना कर सकता हो, तो उसको हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, यानी कि रीड ओनली यानी केवल रीड कर सकता है, तो इसको कहा जाता है रोम। क्या कहा जाता है? रोम कहा जाता है। इसके अंदर केवल रीड कर सकता है और रैम के अंदर रैंडम एक्सेस, मतलब कि इसमें कंटेंट को जो है इसमें क्या किया जा सकता है, एडिट भी किया जा सकता है, ठीक है, इसमें फेर बदल भी किया जा सकता है। तो ये आपको डिफरेंस ध्यान रखना है रैम रोम के अंदर। कैश आर द स्मॉल फास्ट रैम यूनिट विच आर कपल्ड विथ द प्रोसेसर एंड आर ऑफ्टन कंटेंट वोन द सेम आईसी चिप टू अचीव हाई परफॉर्मेंस। ऑल्सो प्राइमरी स्टोरेज इज एसेंशियल, इट टेंड टू बी एक्सपेंसिव। यहाँ पर देखिएगा एक वर्ड हुआ है कैश। कैश की अगर मैं बात करता हूँ, कैशेस क्या होते हैं? कैशेस जो है तो कैसे एक छोटा एक आपका जो है अमाउंट होता है, एक छोटे एक मतलब कि कह सकते हो कि एक छोटा स्मॉल जो है, एक आप कह सकते हो स्मॉल फास्ट रैम यूनिट, फास्ट रैम यूनिट होती है जो कि यहाँ पर कपल्ड होती है किसके साथ? प्रोसेसर के साथ जो है ये कपल्ड होती है। एंड ऑफ्टन कंटेंट ऑन द सेम आईसी चिप, जिस सेम जो आईसी चिप होती है उसी पे होती है। और किस लिए यूज किया जाता है? टू अचीव हाई परफॉर्मेंस। हाई परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए हम कैसेज का प्रयोग करते हैं। किसका? कैसेज का प्रयोग करते हैं। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। देखिएगा कैसेज को हम आगे थोड़ा सा विस्तार में पढ़ेंगे, अभी यहाँ पर इसको बस इतना ध्यान रखिएगा कि कैसेज यूज किया जाता है किसके लिए? जो यहाँ पर हमारी जो एक्सेसिबिलिटी है उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए, या जो एग्जीक्यूटिंग टाइम है उसको बढ़ाने के लिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर कैसेज का इस्तेमाल किया जाता है। कैसेज भी जो है एक मेमोरी है, आप कह सकते हो एक यहाँ पर रैम की ही एक यूनिट है, ठीक है, जो कि शॉर्ट टाइम के लिए डेटा को स्टोर करती है। उसके बाद में हमने बड़ा प्राइमरी मेमोरी पढ़ लिया, यहाँ पे अब पढ़ते हैं सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। देखिएगा इट यूज वेयर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम हैव टू बी स्टोर्ड। इसको वहाँ पर यूज किया जाता है जहाँ पर नंबर ऑफ जो डेटाज हैं वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में हो, और जो प्रोग्राम है वो काफ़ी बड़ा हो, काफ़ी संख्या में ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा वहाँ पर अवेलेबल स्टोर करना होता है हमें, तो उसके लिए हम सेकेंडरी मेमोरीज को यूज करते हैं। पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन दैट इज एसोसिएट इनफ्रिक्वेंटली, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, मैग्नेटिक डिस्क हो गया आपका, मैग्नेटिक डिस्क हो गया, टेप हो गया आपका, ऑप्टिकल डिस्क जैसे कि सीडी रोम हो गया वगैरह, फ्लॉपी डिस्क हो गया आपका, ये सारे के सारे जो है किसके एग्जाम्पल है? सेकेंडरी मेमोरी। इनके अंदर आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को जो है स्टोर कर सकते हैं, मतलब कि ये परमानेंट सेव होता है इसके अंदर। जैसे कि उसमें हमने प्राइमरी में देखा था उसमें टेम्परेरी सेव होता था डेटा, इसमें परमानेंटली जो है डेटा को आप सेव कर सकते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल भी आपको ध्यान रखने हैं। सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? मैग्नेटिक डिस्क है, टेप, ऑप्टिकल डिस्क हो गया आपका जिसमें सीडी रोम वगैरह आते हैं आपके, फ्लॉपी डिस्क वगैरह होती हैं, ये सारे जो है आपके किसके एग्जाम्पल है? सेकेंडरी मेमोरी। उसके बाद में हमने देखेगा मेमोरी पढ़ ली, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ ली। अब एक और जो नेक्स्ट जो इसका पार्ट होता है कंप्यूटर स्ट्रक्चर का, वो होता है आपका ALU, जिसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ये वैसे तो हमारे तो नहीं पूछा जाएगा क्योंकि हम इस फील्ड से हैं, तो ये चीज़ जो हमें बेसिक से पता होती है कि ALU का फुल फॉर्म वगैरह क्या होता है, लेकिन जो यहाँ पर जो और जो अदर एग्जाम्स होती है, ठीक है, जैसे कि जो SSC हो गया या फिर जो अदर स्टेट्स एग्जाम होती हैं उनमें ये कंप्यूटर के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें ये ALU की फुल फॉर्म वगैरह भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। मोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर्स आर एग्जीक्यूटेड इन ALU ऑफ द प्रोसेसर लाइक एडिशंस, सब्सट्रैक्शंस, डिविजन, मल्टीप्लिकेशन। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक जितने भी जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं वो कहाँ पे परफॉर्म होते हैं? ALU में। नाम से ही आपको आइडिया लगा लेना है ये सारे के सारे जो ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म होते हैं आपके ALU के अंदर। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन आपका हो गया, डिवीजन हो गया, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ठीक है,
ये सारे ऑपरेशंस आपके जो है कहाँ पर होते हैं, एग्जीक्यूटेड एएलयू के अंदर होते हैं। द ऑपरेंड आर ब्रॉट इन टू द एएलयू फ्रॉम मेमोरी एंड स्टोर्ड इन हाई स्पीड स्टोरेज एलिमेंट कॉल्ड रजिस्टर्स। तो देखिए इस प्रोसेस में क्या होता है यहाँ पर कि जो ऑपरेंड्स होता है, जो डेटा होता है हमारा, ठीक है, जिसको हमको परफॉर्म करना है, प्रोसेस करना है, ठीक है, वो उसको यहाँ पर एएलयू में लाया जाता है और उसके बाद में मेमोरी से, ठीक है, मेमोरी से उसको एएलयू में लाया जाता है एंड स्टोर्ड इन हाई स्पीड स्टोरेज एलिमेंट, और उनको एक हाई स्पीड स्टोरेज एलिमेंट्स में जो है स्टोर किया जाता है, जिनको क्या कहते हैं, रजिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? रजिस्टर। वर्ड ध्यान रखिएगा, ये रजिस्टर आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि रजिस्टर का उपयोग क्यों किया जाता है। ये एक तरीके से डेटा को स्टोर करने के, ये भी एक मेमोरी का ही टाइप है जो कि डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देन अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन द ऑपरेशन इज परफॉर्म इन द रिक्वायर्ड सिक्वेंस। और जो उसके बाद में क्या होता है कि जो डेटा है हमारा उसके साथ जो इंस्ट्रक्शन जो हमने दिए हैं उस हिसाब से ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। जैसे हमने इंस्ट्रक्शन दिया एडिशन का, तो जो डेटा है वो क्या होगा, ऐड होगा। सबस्ट्रक्शन का दिया तो सबस्ट्रक होगा, डिवीजन का दिया तो उसमें जो है डिवाइड होगा। इस तरीके से ऑपरेशंस जो है, जिस इंस्ट्रक्शन को हमने यहाँ पर अप्लाई किया उस इंस्ट्रक्शन के अनुसार जो है वो डेटा हमारा एएलयू में क्या होगा, परफॉर्म होगा, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा द कंट्रोल एंड एएलयू। द कंट्रोल एंड एएलयू आर मैनी टाइम फास्टर देन अदर डिवाइस कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर सिस्टम। जो यहाँ पर कंट्रोल यूनिट्स और जो एएलयू है, ये दोनों जो है कई गुना ज़्यादा फास्टर होती हैं जो अन्य डिवाइसेज कनेक्ट होती है कंप्यूटर सिस्टम से उनसे। और दिस अनेबल्स ए सिंगल प्रोसेस टू कंट्रोल ए नंबर ऑफ एक्सटर्नल डिवाइस सच एज कीबोर्ड, डिस्प्ले, मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल डिस्क, सेंसर्स एंड अदर मैकेनिकल कंट्रोल्स। फिर देखिएगा यहाँ पर हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की, ठीक है। आउटपुट डिवाइस की अगर बात करें, इनपुट हमने देख लिया था, यहाँ पर आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं तो दीज एक्चुअली आर यहाँ पर काउंटर पार्ट्स ऑफ इनपुट इन यूनिट्स। इट बेसिक फंक्शन ऑफ बेसिक फंक्शन टू सेंड द प्रोसीड रूल रिजल्ट टू द आउटसाइड वर्ल्ड। यानी कि आउटपुट आपको पता है, नाम से आपको पता है, जितना भी जो डेटा यहाँ पर एएलयू में प्रोसीड हुआ है, हमने पहले क्या किया, इनपुट दिया डेटा को, वो कहाँ आ गया आपका, मेमोरी में गया कुछ डेटा, या फिर आप मेमोरी में जाता कुछ तो मेमोरी में गया, या फिर आपका डायरेक्टली जो है कहाँ पर गया, जो एएलयू वहाँ पर गया। एएलयू में जाने के बाद में हमने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, यहाँ पर कंट्रोल यूनिट का यूज हुआ और उसके बाद में जो डेटा है वो प्रोसीड होकर कहाँ पर आया, आउटपुट के अंदर आया। तो ये होता है आपका एक जो है पूरा का पूरा प्रोसेस इस दौरान, ठीक है। तो आउटपुट की अगर बात करते हैं, जैसे प्रिंटर आप कह सकते हो, जो डेटा है वो प्रिंट होकर बाहर निकल रहा है, आउटपुट हो गया। स्पीकर से वॉइस बाहर निकल रही है, आउटपुट हो गया। मॉनिटर से डिस्प्ले हमें दिख रही है, चीज़ें हो दिख रही है हमें, वो सारे जो है आपके आउटपुट हो गए। ये हुआ। अब एक और जो इसका जो है जो कंपोनेंट है वो है कंट्रोल यूनिट। हमने अभी जो है ALU देख लिया, ALU क्या होता है, ठीक है, इनपुट देख लिया, आउटपुट देख लिया, अभी कंट्रोल यूनिट को और देख लेते, जो भी इसी का हिस्सा है, ठीक है। पांच कंपोनेंट बताए थे ना हमने ऊपर, तो इसमें देखिएगा कंट्रोल यूनिट की बात करते हैं। इट इफेक्टिवली इज द नर्व सेंटर दैट सेंड सिग्नल टू द अदर यूनिट एंड सेंस देयर स्टेटस। एक तरीके से आप कह सकते हो कि कंप्यूटर का नर्व सिस्टम है। कौन सा है, क्या है, नर्वस सिस्टम, ठीक है। कंट्रोल यूनिट क्या है, नर्वस सिस्टम, हम बोलते हैं ना नर्वस सिस्टम, मानव का नर्वस सिस्टम को होता है, जो ब्रेन होता है उसी तरीके से। तो ये क्या करता है, सिग्नल्स को सेंड करता है जो अदर यूनिट्स होती है, जैसे कि एएलयू हो गया और भी जो यूनिट्स होती हैं उसमें जो लगी होती हैं, उनको ये क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, सिग्नल्स देता है कि आप ऐसा करो। अगर वो ऐसा परफॉर्म कर रहा है, उसमें कुछ ऑपरेशंस और जो है उसको क्विट करना है या उसको जो भी है प्रोसीड करना है, तो सारे इंस्ट्रक्शन आपके कंट्रोल यूनिट से निकलते हैं। और यहाँ पर सेंस देयर स्टेट्स, और उनका जो स्टेटस है वो सेंस करता है कि क्या कैसा परफॉर्म कर रहा है, या ठीक परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है। द एक्चुअल टाइमिंग सिग्नल दैट गवर्न द ट्रांसफर ऑफ डेटा बिटवीन इनपुट यूनिट्स प्रोसेसर मेमोरी एंड आउटपुट यूनिट आर जनरेटेड बाय कंट्रोल यूनिट। देखिएगा, समझ में आ गया, द एक्चुअल टाइमिंग सिग्नल्स दैट आर गवर्न ट्रांसफर ऑफ डेटा। जितना भी जो डेटा का ट्रांसफर होता है इनपुट डिवाइसेस के बीच में, प्रोसेसर के बीच में, मेमोरी और आउटपुट डिवाइस, इन सभी के बीच में जो डेटा का आदान एक्सचेंज होता है, ठीक है, जितना भी जो प्रोसेस होता है वो यहाँ पर उसका जो यहाँ पर जो मतलब कि किसके द्वारा जनरेट किया जाता है, कंट्रोल यूनिट के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिक ऑपरेशंस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बेसिक ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। टू परफॉर्म ए गिवन टास्क एन अप्रोप्रिएट प्रोग्राम कंसिस्टिंग
ऑफ ए लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड इन द मेमोरी। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जो हमें कोई भी जो टास्क जो परफॉर्म करनी है, जो दे रखी है हमें कि इस टास्क को जो है हमें परफॉर्म करना है, इनपुट डालना, फिर उसके बाद में जो है उसको यहाँ पर आउटपुट लेना, तो वो यहाँ पर जो है ये जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो या तो मेमोरी में स्टोर होते हैं, ठीक है, कहाँ पर स्टोर होते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ ए लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन स्टोर इन मेमोरी। ये क्या होती है कि इंस्ट्रक्शन की जो लिस्ट होती है मेमोरी में स्टोर होती है, और उसके बाद में जो यहाँ पर जो इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन आर बोर्ड फ्रॉम द मेमोरी, और जो इंस्ट्रक्शन है उनको यहाँ पर मेमोरी में लाया जाता है, मेमोरी से जो है कहाँ पर लाया जाता है, प्रोसेसर में लाया जाता है, और जब वो एग्जीक्यूटेड होते हैं जो स्पेसिफाइड ऑपरेशन, तो वहाँ पर जो है वो जो डेटा है वो स्टोर होता है और उसको जो है मेमोरी में स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है, और उसके बाद में आउटपुट ले लिया जाता है। ये कुछ एग्जाम्पल इस तरीके से यहाँ पर देखिएगा, उसके बाद में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये एग्जाम्पल दे रखा है कि किस तरीके से आप डेटा को जो है यहाँ पर परफॉर्म करते हैं, जैसे कि इनपुट में आपने जो है पहले क्या किया, मेमोरी से आपने डेटा यहाँ पर जो है इनपुट किया, उसके बाद में वो जो भी कंट्रोल यूनिट है वहाँ पर ALU उसका उपयोग होगा, और वहाँ पर उसके बाद में जो है क्या होगा वो यहाँ पर आउटपुट में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, द यहाँ पर प्रिसीडिंग एड इंस्ट्रक्शन कंबाइन ए मेमोरी एक्सेस ऑपरेशन विथ एन ALU ऑपरेशन इन सम अदर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, दीज टू टाइप ऑफ ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड बाय सेपरेट इंस्ट्रक्शन फॉर परफॉर्मेंस रीजंस। इसको यहाँ पर देखिएगा, अभी आगे यहाँ पर हम बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा ये एक डायग्राम है आपके सामने, इसको अच्छे से समझना है। ये डायग्राम किसका है, कनेक्शन बिटवीन प्रोसेसर एंड मेमोरी, कनेक्शन बिटवीन प्रोसेसर एंड मेमोरी के बीच में कनेक्शन है, किस तरीके से हमारा डेटा जो है स्टेप बाय स्टेप इसमें दिखा रखा है, किस तरीके से हमारा डेटा जो है क्या होता है एग्जीक्यूट होता है, परफॉर्म होता है, प्रोसीड होता है, वो यहाँ पर इसमें देखेंगे हम, ठीक है। पहले कुछ यहाँ पर इनके जो वर्ड्स हैं उनको आपको देखना है, यहाँ पर एक मेमोरी लिख रखा है, मेमोरी आप जानते हैं, एक MAR लिख रखा है, ये क्या होता है ये पढ़ेंगे, PC पढ़ेंगे, IR क्या होता है, MDR क्या होता है, R0, R1, R और फिर N-1 ये क्या होते हैं, और कंट्रोल आपको पता ही है कंट्रोल यूनिट होता है, एक ALU ये भी हमने पढ़ लिया। तो ये सारा का सारा जो है इस थोड़ा सा पहले इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिएगा जो फिगर, सो हाउ मेमोरी एंड द प्रोसेसर कैन बी कनेक्टेड, मेमोरी और जो प्रोसेसर होता है कैसे कनेक्ट होता है वो इस डायग्राम में दिखा रखा है यहाँ पर, इन एडिशन टू ALU एंड द कंट्रोल सर्किटरी, द प्रोसेसर कंटेन ए नंबर ऑफ रजिस्टर्स यूज्ड फॉर सेवरल डिफरेंट पर्पज। यहाँ पर देखिएगा कई सारे जो है यहाँ पर रजिस्टर्ड इसके अंदर लगे हुए हैं, क्या लगे गए हैं रजिस्टर्स, मैंने ऊपर क्या बताया था रजिस्टर क्या काम आते हैं, स्टोर करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए, कई सारे पर्पज के लिए जो है रजिस्टर को इसमें लगाया जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पर हम बात करते हैं IR की, किसकी, ये जो पूरा बॉक्स है ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, ये मेमोरी इससे, फिर यहाँ पर ये सारा का सारा कंट्रोल यूनिट है, इसमें MDR है, ये यहाँ पर R0, R यहाँ पर रजिस्टर को डिनोट करता है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले IR की बात करते हैं, IR का फुल फॉर्म होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, रजिस्टर क्या होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, होल्ड द इंस्ट्रक्शन दैट इज करंटली बींग एग्जीक्यूटेड। ये क्या करता है, स्टोर करता है या होल्ड करता है उन इंस्ट्रक्शन को जो कि करंटली बींग एग्जीक्यूटेड, जो कि अभी करंट में जो है एग्जीक्यूटेड हो रहे हैं उनको यहाँ पर ये क्या करता है होल्ड करके रखता है IR, यानी कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, नाम से पता चल रहा है इंस्ट्रक्शन जो करंटली जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूटेड हो रहे हैं उनको ये होल्ड करके रखता है। इट्स आउटपुट इज अवेलेबल फॉर कंट्रोल सर्किट विच जनरेट द टाइमिंग सिग्नल दैट कंट्रोल द वेरियस प्रोसेसिंग एलिमेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद में दूसरा होता है आपका PC, यानी कि प्रोग्राम काउंट, एक यहाँ पर ये होता है, ये तो क्या करता है कि करंटली एग्जीक्यूटेड डेट जो हमारे इंस्ट्रक्शन उनको होल्ड करके रखता है IR। उसके बाद में जो PC है यानी कि प्रोग्राम काउंटर, इसका फुल फॉर्म है, दिस इज अनदर स्पेशलाइज्ड रजिस्टर, ये भी एक तरीके का रजिस्टर है, दैट कीप ट्रैक ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। ये क्या करता है, ट्रैकिंग करता रहता है, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उसकी ट्रैकिंग करता रहता है। इट कंटेन द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेस्ड एंड एग्जीक्यूट। और ये क्या करता है, नेक्स्ट मतलब कि एक मेमोरी एड्रेस रखता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए जब वो एग्जीक्यूटेड होता है, मतलब कि जब एक एलिमेंट जो है एग्जीक्यूट होता है उसके बाद में जो है ये नेक्स्ट के लिए क्या करता है मेमोरी रखता है कि वो दूसरे को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, ठीक है। तो ये होता है आपका प्रोग्राम काउंटर। उसके बाद में देखिएगा, और इस ये जो है एग्जीक्यूशन को ट्रैक करता रहता है, जो एग्जीक्यूशन होता है प्रोग्राम उसको।
बिसाइड आईआर एंड पीसी देर आर एन जनरल पर्पज रजिस्टर R02, यहाँ पर RN-1। इन दोनों के अलावा एक यहाँ पर जनरल पर्पज के रजिस्टर और होते हैं एन नंबर्स के, जिनके कितने भी वो मतलब कि हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग सिस्टम के हिसाब से एन नंबर मान लीजिए आप, एन नंबर रजिस्टर्स जो है यहाँ पर लगे होते हैं, जिनको आप यहाँ पे क्या नाम दे सकते हैं, R0, R1, R2, R3, ये N-1, RN-1 तक हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये होते हैं, ये भी रजिस्टर होते हैं आपके। उसके बाद में देखिएगा अगर यहाँ पर बात करते हैं द अदर टू रजिस्टर विच फैसिलिटी कम्युनिकेशन बिटवीन द मेमोरी विथ मेमोरी आर। इसके अलावा दो अन्य रजिस्टर होते हैं, ये क्या करते हैं, फैसिलिएटेड कम्युनिकेशन विथ मेमोरी, जो कि मेमोरी के साथ जो है कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, एक तो MAR और एक MDR। यहाँ पर देखिएगा एक तो MDR और एक MAR, ये क्या होते हैं, मेमोरी से कनेक्ट होते हैं, जो कि कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाते हैं मेमोरी से, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों आपको ध्यान रखने। तो यहाँ पर देखिएगा आगे बढ़ते हैं, ये दोनों भी जो है क्या है, MAR और MDR क्या है, ये भी रजिस्टर है आपके। आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा रजिस्टर का टाइप है, MAR MDR भी है और ऊपर जो नाम थे वो भी थे, ठीक है। MAR का फुल फॉर्म होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, क्या होता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इट होल्ड द एड्रेस ऑफ लोकेशन टू बी एक्सेस्ड। ये क्या करता है, एड्रेस जो लोकेशन होता है उसका एड्रेस जो है ये होल्ड करता है, रखता है, ठीक है। दूसरा है मेमोरी डाटा रजिस्टर, ये क्या करता है, इट कंटेन द डेटा टू बी रिटर्न इन टू और रीड आउट ऑफ द एड्रेस लोकेशन, ये क्या करता है। तो इसमें क्या होता है कि जो डेटा होता है जिसको रीड किया जाना होता है या मतलब कि रिटर्न किया जाना होता है वो यहाँ पर ये इसके अंदर स्टोर होता है वो, ठीक है, MDR के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों का फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है, MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर और MDR मेमोरी डाटा रजिस्टर, ठीक है। अब यहाँ पर ऑपरेटिंग स्टेप्स आर, ये कैसे परफॉर्म होता है, ये आपके यहाँ पर स्टेप्स बता रखी है, ऑपरेटिंग स्टेप्स, ठीक है, कि एक यहाँ पर हमने जब इनपुट दिया तो आउटपुट आने तक वो डेटा किस किन किन स्टेप से गुजरता है, कैसे कैसे जो है ये डायग्राम यहाँ पर जो बना है ये कैसे परफॉर्म करता है, ये डायग्राम कैसे वर्क करता है, तो यहाँ पर वो स्टेप्स हम जान लेते हैं। देखिएगा पहली स्टेप है प्रोग्राम रिसाइड इन द मेमोरी एंड यूजुअली गेट दीज थ्रू द इनपुट यूनिट्स। जो प्रोग्राम होता है जिसको हमें डेटा, मान लीजिए हमारा कोई डेटा है जो प्रोग्राम है उसको यहाँ पर क्या करते हैं, या तो हम जो है मेमोरी से प्राप्त करते हैं या फिर यूजुअली गेट दीज थ्रू द इनपुट यूनिट्स, या फिर उसको कहाँ से प्राप्त करते हैं, डायरेक्टली या तो इनपुट दे देते हैं या फिर पहले से हमारा कोई डेटा है आपका मेमोरी के अंदर उसको यहाँ पर इसमें इंसर्ट करते हैं, ठीक है। पहला स्टेप ये है, सबसे पहले इनपुट का होगा हमारा, उसके बाद में एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट व्हेन द पीसी इज सेट टू पॉइंट एट द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम। तो यहाँ पर देखिएगा उसके एग्जीक्यूशन जो है प्रोग्राम का वो स्टार्ट होता है जब हमारे पीसी को हम क्या करते हैं, एक सेट करते हैं फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम का, जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है वहाँ पर उसको सेट करते हैं, वहाँ से आपका जो है एग्जीक्यूशन शुरू होता है आपके प्रोग्राम का, ठीक है। उसके बाद में कंटेंट ऑफ पीसीआर ट्रांसफर्ड टू MAR एंड ये रीड कंट्रोल सिग्नल इज सेंड टू द मेमोरी। अब देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो हमारा कंटेंट या जो प्रोग्राम होता है जो डेटा होता है, ठीक है, वो कहाँ पर जाता है, पीसी का डेटा वो ट्रांसफर टू द MAR, MAR मतलब कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में जाता है। इनपुट के बाद में हमारा डेटा कहाँ जाता है, MAR में, यहाँ पर जाता है स्टेप, इसमें मान लीजिए आप फर्स्ट लिख लीजिए, इनपुट से हमारा डेटा यहाँ पर गया MAR में, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में गया, ठीक है, आपका डेटा MAR में आपका डेटा गया है। उसके बाद में देखिएगा आगे क्या बोल रहा है, ये रीड कंट्रोल सिग्नल इज सेंड टू द मेमोरी, और उसके बाद में रीड कंट्रोल सिग्नल्स जो है सेंड किए जाते हैं कंट्रोल यूनिट के जरिए। किसके जरिए, कंट्रोल यूनिट क्या करती है, रीड जो मतलब कि हम उसके जरिए क्या करते हैं, हम कहते हैं कि आप इसको जो है रीड करो, या फिर वो कहते उसको जो है रीड करता है कि क्या है, कि प्रोग्राम किस टाइप का है, वो पहले उसको पूरा का पूरा वो रीड कर लेगा, ठीक है। तो उसके लिए रीड सिग्नल्स जो है भेजे जाएंगे मेमोरी को कि हाँ इसको आप रीड करिएगा, ठीक है। उसके बाद में आफ्टर द टाइम रिक्वायर्ड टू एक्सेस द मेमोरी लैप्स द एड्रेस वर्ड इज रीड आउट ऑफ द मेमोरी एंड लोडेड इन टू MDR। उसके बाद में क्या होता है कि जो यहाँ पर जो टाइम एक फिक्स टाइम होता है, एक टाइम होता है कि कितने मतलब कि जो टाइम में वो जो है उसको रीड करता है जो है,
वो उसको ठीक है रीड इंस्ट्रक्शन भेजा, उसके बाद में रीड किया जाएगा उस डेटा को या कंटेंट को, और रीड करने के बाद में उस डेटा को यहाँ पर कहाँ भेजा जाएगा, एक टाइम जो होता है उसके बाद में जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है MAR, उसके बाद में उस डेटा को भेजा जाता है कहाँ पर, MDR के अंदर। कहाँ पर भेजा जाता है, MDR के अंदर। MDR बोले तो यहाँ पर मेमोरी डेटा रजिस्टर में भेजा जाता है। MDR में इसको लोड कर दिया जाता है, और उसके बाद में नाउ कंटेंट ऑफ द MDR आर ट्रांसफर्ड टू द IR एंड नाउ द इंस्ट्रक्शन इज रेडी रेडी टू बी डिकोडेड एंड एग्जीक्यूटेड। यहाँ से देखिएगा MDR से जो डेटा है उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है, आपका इन रजिस्टर में जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है। MDR से आपका डेटा यहाँ पर R0, R1, R2, यहाँ पर जितने भी RN-1 तक आपके इसके अंदर आपका डेटा को जो है भेज दिया जाएगा, और यहाँ पर आपके डेटा को क्या किया जाएगा जो है यहाँ पर डिकोड किया जाएगा आपके डेटा को, ठीक है। तो यहाँ पर आते ही आपका डेटा जो है क्या हो जाएगा, डिकोड हो जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप होती है वो क्या होती है, देखिएगा डेटा यहाँ पर जो है मतलब कि जो IR है इसके अंदर क्या होगा, मतलब कि इसके अंदर इंस्ट्रक्शन जो है इज रेडी टू बी डिकोडेड, इसके अंदर इंस्ट्रक्शन होंगे हमारे जो कि इसको डिकोड और एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी है। उसके बाद में देखिएगा इफ द इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व एन ऑपरेशनल ऑपरेशन बाय द ए वैल्यू। देखिए अगर हमारा जो ऑपरेशन है, जो हमारा जो कंटेंट है, अगर उसके अंदर जो ALU के इंस्ट्रक्शन अगर उसमें इन्वॉल्व है, अगर आपने ALU के इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जैसे कि आपको मान लीजिए डेटा आपका ऐसा है कि आपको जो है सम करना है, दो डेटा है A+B आपका जो है उसको सम करना है, तो ठीक है ये आपका एक ALU को काम हो गया सम करने का, जितने भी जो अर्थमेटिकल ऑपरेशन है आपका कौन करेगा, ALU करेगा। तो यहाँ पर जब अगर ये इस तरीके का डेटा आपका उस कंटेंट में अवेलेबल है तो यहाँ पर इट इज नेसेसरी टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड ऑपरेंड्स, तो यहाँ पर देखिएगा ALU का काम यहाँ पर शुरू हो जाएगा उसके बाद में। एंड ऑपरेट इज एंड ऑपरेंड इन द मेमोरी इज फीचर्ड बाय द सेंडिंग इट्स एड्रेस टू MAR एंड इंस्टेटिंग द ए रीड साइकिल्स। तो उसके बाद में क्या होता है कि जो ऑपरेंड होता है जिसका एड्रेस यहाँ पर सेंड किया जाता है कहाँ पर, MAR के अंदर, ठीक है, कहाँ पर सेंड किया जाता है, जो मेमोरी में जो आपका ऑपरेंड है, ठीक है, जो डेटा है आप कह सकते हो जो प्रोग्राम है उसका जो एड्रेस है आपका जो है फीस किया जाता है सेंडिंग इट्स एड्रेस टू MAR के अंदर उस एड्रेस को जो है सेंड किया जाता है और इनिशिएटिंग ए रीड साइकिल, और उसके बाद में एक रीड साइकिल जो है वो क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है, रीड साइकिल शुरू हो जाती है। वेन द ऑपरेंड्स हैज बीन रीड फ्रॉम द मेमोरी टू द MDR, जब जो यहाँ पर ऑपरेंड जो हमारा जो डेटा कंटेंट है वो जब रीड हो जाता है फ्रॉम मेमोरी टू MDR, मेमोरी टू MDR जो है जब वो रीड कर लिया जाता है, इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम MDR टू ALU। तो यहाँ पर देखिएगा उसके बाद में जो है उसको रीड करने के बाद जब मेमोरी और जो MDR तक जो है उसको रीड कर लिया जाता है तो उसको कहाँ भेजा जाता है, फिर अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में भेजा जाता है। यहाँ पर MDR से उसको कहाँ भेजा जाता है, ALU में भेजा जाता है। यहाँ पर कहां पर भेजा जाता है, ALU में। MDR से कहां भेजा जाता है, ALU के अंदर, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, देखिएगा यहां पर ALU को भेज दिया डेटा, आफ्टर वन और टू सच रिपीटेड साइकिल, जब एक दो रिपीटेड जो साइकिल होगी उसके बाद में ALU कैन परफॉर्म द डिजायर्ड ऑपरेशन, उसके बाद में जो डिजायर्ड जो हमें जरूरत है जो ऑपरेशन होना है उसको परफॉर्म करेगा ALU, जैसे कि एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, जो भी करना है वो करेगा। इफ द रिजल्ट ऑफ द ऑफ दिस ऑपरेशन इज टू बी स्टोर्ड इन मेमोरी द रिजल्ट इज सेंड टू द MDR। अगर अब यहाँ पे क्या करना था, ALU का काम हो गया, अगर उस ऑपरेशन जो रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन जो रिजल्ट आया है उससे, ठीक है, अगर उसको क्या करना है, हमें मेमोरी के अंदर स्टोर करना है, तो वो जो रिजल्ट है उसको कहाँ भेजा जाएगा, वापस से MDR में भेजा जाएगा। कहाँ पर भेजा जाएगा, यहाँ पर भेजा जाएगा वापस से MDR में, ठीक है। इनका फुल फॉर्म आप जरूर ध्यान रखिएगा, MDR और MAR का, ठीक है, यानी कि MDR मेमोरी डाटा रजिस्टर में भेजा जाएगा उनको। उसके बाद में देखिएगा यहाँ से भेज दिया MDR में, एड्रेस ऑफ लोकेशन वेयर द रिजल्ट इज स्टोर्ड इज सेंड टू MAR, और जो एड्रेस ऑफ लोकेशन जहाँ पे इस रिजल्ट को स्टोर करना है वो कहाँ पे भेजा जाएगा आपका, वो MAR में भेजा जाएगा। एंड राइट साइकिल इज इनिशिएट, और उसके बाद में राइट साइकिल जो है शुरू हो जाएगी आपकी, ठीक है। द कंटेंट ऑफ PC आर इंक्रीमेंटेड सो दैट द PC पॉइंट टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट टू बी एग्जीक्यूटेड। तो ये सारा का सारा जो है प्रोसेस होने के बाद में हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो आपको समझ में आ गया कि ये जो पार्ट्स होते हैं इसके, ये क्या क्या काम करते हैं, किस तरीके से इनका वर्क होता है, ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, ठीक है।
कि कैसे जो किस तरीके से हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर इसके अंदर एग्जीक्यूट होता है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम देखिएगा नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम में भी यहाँ पर प्रिम्प्टेड यानी कि टेम्परेली इंटरप्टेड। यहाँ पर देखिएगा कभी कभी नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम के टाइम पे जो है वो क्या हो सकता है, टेम्परेली इंटरप्टेड हो सकता है, यानी कि रुक सकता है, इंटरप्ट हो जाना, जिससे को हम कह सकते हैं डिस्टरबेंस उत्पन्न हो सकता है उसके अंदर, या वो आप जो है कह सकते हैं कि जब हम उसको रन करते हैं तो वो आपका फेल्ड हो जाता है, टेम्परेरी यहाँ पर इंटरप्ट हो जाता है। इफ सम डिवाइस रिक्वायर अर्जेंट सर्विसिंग टू डू दिस वन डिवाइस रेज एन इंटरप्ट सिग्नल, तो यहाँ पर इसके लिए जो है एक इंटरप्ट सिग्नल जो है रेज किया जाता है। एन इंटरप्ट इज ए रिक्वेस्ट सिग्नल फ्रॉम एन इनपुट आउटपुट डिवाइस फ्रॉम सर्विस बाय द प्रोसेसर्स। तो इसके लिए क्या होता है कि जब हमारा जो प्रोग्राम है मान लीजिए इंटरप्ट हो गया, जब हम उसको रन कर रहे हैं ठीक है, उस टाइम पे वो इंटरप्ट हो जाता है, रुक जाता है कोई किसी वजह से जो है, मान लीजिए रुक गया, तो उसके लिए फिर जो है हम क्या करते हैं, हमारे हिसाब से जो है उसको वो देते हैं, उसको सिग्नल्स देते हैं इनपुट आउटपुट के जरिए कि आप जो हमारे जो जिस तरीके का वो इंटरप्शन होगा उस तरीके से हम जो है उसके अंदर सिग्नल्स जो है फीड करेंगे। उसके बाद में देखिएगा द प्रोसेसर प्रोवाइड द रिक्वेस्टेड सर्विस बाय द एग्जीक्यूटिंग इन अप्रोप्रिएट इंटरप्टेड सर्विस रूटीन्स। उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट जो इसका एक पार्ट है वो है बस स्ट्रक्चर का। बस यहाँ पर इसके अंदर यूज की जाती है। बस क्या होती है पहले ये जानेंगे, इसका स्ट्रक्चर किस टाइप से जो है इनको सर्व किया जाता है, ये क्या काम आती है बसेस इसके अंदर, वो थोड़ा सा इसके अंदर जान लेते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर कंप्यूटर स्ट्रक्चर है उसके अंदर बस का इस्तेमाल होता है। द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंटरकनेक्टिंग वेरियस पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, हम इसके लिए जो है क्या करते हैं, बस का इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर के जो कई सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे इनपुट हो गया, मेमोरी हो गई, प्रोसेसर हो गया, आउटपुट्स हो गए, इन सभी को जो है हम आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, बस का उपयोग करते हैं। तो ये आपकी एक बस है, क्या है ये आपकी जो है आपस में कनेक्ट कर रही है, ये लाइन सॉरी ये वाली ठीक है, इसको आप क्या कह सकते हैं, बस कह सकते हैं। ये आपकी बस है जो कि आपके इन चारों पार्टों को जो है कंप्यूटर के आपस में एक साथ कर रही है, कनेक्टिविटी प्रदान कर रही है ठीक है। तो ये होती है आपकी बस, समझ में आ गया बस क्या होती है। टू अचीव ए रीजनेबल स्पीड ऑफ ऑपरेशन ए कंप्यूटर मस्ट बी ऑर्गेनाइज टू सो दैट इट ऑल यूनिट्स कैन हैंडल्स वन फुल वर्ड ऑफ डेटा एट ए गिवन टाइम्स। तो एक यहाँ पर रीजनेबल स्पीड्स ऑफ ऑपरेशंस को जो है अचीव करने के लिए हम इनका उपयोग करते हैं, आपस में एक इंटरकनेक्शन जो है प्रोवाइड करवाते हैं। एक ग्रुप ऑफ लाइन दैट सर्व एज कनेक्टिंग पोर्ट फॉर सेवरल डिवाइस इज कॉल्ड ए बस। तो यहाँ पर जो है एक ग्रुप ऑफ लाइन्स जो कि कनेक्टिंग पोर्ट प्रोवाइड करवाती है सेवरल डिवाइसेज के लिए, वो क्या कहलाती है, बसेज कहलाती है। यानी कि कह सकते हो आप सेवरल डिवाइस मल्टीपल डिवाइसेज को क्या है, एक कनेक्टिंग लाइन प्रोवाइड करवाती है, उसको यहाँ पे बस बोलते हैं आप ठीक है। इन एडिशन टू द लाइन्स दैट कैरी द डेटा द बस मस्ट हैव लाइन ऑफ एड्रेस एंड कंट्रोल पर्पज। बस इसके अलावा देखिएगा क्या होती है, डेटा को भी कैरी करती है, क्या करता है डेटा को भी कैरी, ऐसा नहीं कि ये कनेक्टिविटी प्रदान करती है, ये डेटा को भी लाने ले जाने के काम करती है, साथ ही यहाँ पर जो है लाइन ऑफ एड्रेस एंड कंट्रोल पर्पज, और ये कंट्रोल पर्पज के लिए भी जो है यूज की जाती है। इसलिए आप जो है कह सकते हैं एक तो आपकी डेटा बस होती है ठीक है, जो डेटा को यहाँ पर जो है इंटरचेंज करती है, डेटा का आदान प्रदान करती है, एक यहाँ पर आपका लाइन बस होती है कंट्रोल बस ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आपको ध्यान रखनी है। सिंपलेस्ट वे टू इंटरकनेक्ट इज टू यूज द सिंगल बस एस सो। तो ये एक सिंपल वे है इंटरकनेक्ट करने का जो सिंगल बस यूज करते हैं, एक तो सिंगल बस होती है, एक मल्टीपल मल्टी लेवल या मल्टीपल बस होती है ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा दोनों में डिफरेंस ये है कि सिंगल बस जो है काफ़ी सिंपल होती है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, लेकिन ये सिंगल बस जो है ये आपकी जो है लो कॉस्ट भी होती है और वेरी फ्लेक्सिबल भी होती है डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, लेकिन ये लार्ज डेटा के लिए सूटेबल नहीं होती, इसलिए हम फिर जो है यहाँ पर अगर हम मान लीजिए हमें ज़्यादा जो है डाटा जो है क्या करना है सेंड करना है, तो उसके लिए फिर हम मल्टीपल बस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, इसका मल्टीपल बस स्ट्रक्चर का। तो ये आपका आ गया, देखिएगा यहाँ पर सिंस द बस कैन बी यूज फॉर ओनली वन ट्रांसफर एट ए टाइम ओनली टू यूनिट्स कैन एक्टिवली यूज टू बी द बस एट एनी गिवन टाइम। यहाँ पर देखिएगा इसकी जो है सिंगल बस के कुछ यहाँ पर जो है फीचर्स हैं, जैसे कि लो कॉस्ट होती है, फ्लेक्सिबल भी होती है अटैचिंग डिवाइस को अटैच करने के लिए, और एक होती है मल्टीपल बस स्ट्रक्चर सर्टेनली इंक्रीज द परफॉर्मेंस बस आल्सो इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ।
जो मल्टीपल बस स्ट्रक्चर होती है वो उसकी जो इफिशियंसी है वो तो बढ़ जाती है, ठीक है, परफॉर्मेंस की, लेकिन उसके साथ साथ तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो ये इसका यहाँ पर जो है डिसएडवांटेज भी है इसका। उसके बाद में देखिएगा, ऑल द इंटरकनेक्टेड डिवाइस आर नॉट ऑफ द सेम स्पीड एट टाइम। जितने भी जो डिवाइसेज जो कनेक्ट होती है आपस में, ठीक है, क्या उनकी स्पीड जो है वो सेम हो सकती है? नहीं, वो सेम नहीं होती, उनकी स्पीड जो है अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर बोली गई है, लीड टू ए बिट ऑफ ए प्रॉब्लम्स दिस इज सॉल्व बाई यूजिंग कैसे रजिस्टर्स, फॉर एग्जाम्पल बफर रजिस्टर्स। आपने बफर रजिस्टर पढ़ा होगा, ठीक है, कैसे का हमने डिस्कस किया है ऊपर। कैस क्या होता है? कैस क्या होता है, एक तरीके की एक मेमोरी होती है, टेम्पररी मेमोरी, जिसके अंदर डेटा को यहाँ पर रिकॉर्ड स्टोर किया जाता है। क्यों किया जाता है, कैस यूज किया जाता है, जो यहाँ पर जो स्पीड है उसको बढ़ाने के लिए। किसके लिए? स्पीड को बढ़ाने के लिए। तो आपको पता है जब यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि जो मतलब कि इंटरकनेक्टेड जो डिवाइस होती हैं, सभी जितनी भी जो डिवाइस कनेक्ट होती है उनका जो यहाँ पर स्पीड है वो यहाँ पर टाइम नहीं होता, सेम एंड स्पीड एंड टाइम उसका जो है एग्जीक्यूशन टाइम वो सेम नहीं होता। तो इसी प्रॉब्लम को यहाँ पर जो है ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, कैसे रजिस्टर्स का उपयोग करते हैं, जिनको बफर्स भी बोला जाता है। एक कैसे रजिस्टर का एक एग्जाम्पल है बफर, ठीक है, तो इनका उपयोग करते हैं। दीज बफर आर इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर फॉर स्मॉल कैपेसिटी व्हेन कंपेयर टू द मेन मेमोरी बट ऑफ कंपेरेबल स्पीड, ठीक है। ये क्या होती है कि जो मेन मेमोरी होती है इसकी कंपैरिजन में एक छोटी, आप कह सकते हो कि मेमोरी होती है, छोटी कैपेसिटी की मेमोरी होती है, जिनको यहाँ पर यूज़ किया जाता है डेटा स्टोर करने के लिए, और ये हमारी डेटा की जो स्पीड है, जो एग्जीक्यूटिंग टाइम है, उसको बढ़ाने में हमारी सहायता करते हैं। द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द कंप्यूटर प्रोसेसर एट वन आर लोडेड इन टू दीज बफर्स एंड देन द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ डेटा एट ए फास्ट रेट विल टेक प्लेस। जब हमारे जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं और जो प्रोसेसर के जरिए हम इस पर लोड करते हैं, जैसे ही बफर्स के अंदर जो हमारे कैसेज हैं फाइल उनके अंदर, तो क्या करता है कि उसके जो यहाँ पर प्रोसेस जो टाइम है, जो मतलब कि जो प्रोसेसिंग टाइम है उसका, जो एग्जीक्यूटिंग टाइम है, वो काफ़ी यहाँ पर कम हो जाता है और उसकी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, फास्ट रेट हो जाती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा है एक परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस जो है इसका यूज इसमें कहाँ किया जाता है, किस तरीके से परफॉर्मेंस जो है इसको इसमें जो है परिभाषित करते हैं। देखिएगा, द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेजर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ ए कंप्यूटर इज हाउ क्विकली इट कैन बी एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम। परफॉर्मेंस को कैसे डिनोट कर सकते हैं कि एक प्रोग्राम जो है किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में जो है कितना टाइम लग सकता है, कितना फास्ट जो है उसको वो रन करता है, ठीक है। तो इस तरीके से उसको परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। द स्पीड विथ विच ए कंप्यूटर एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम इज अफेक्टेड बाय इट्स डिजाइन ऑफ इट्स हार्डवेयर। जो स्पीड है उसकी, वो हार्डवेयर्स जो होते हैं उसके, जो डिजाइन्स ऑफ हार्डवेयर्स होती है वो उसके जरिए भी वो अफेक्ट होते हैं, ये भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना। फॉर यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मेंस इट इज नेसेसरी टू डिजाइन द कंपाइल्स द मशीन्स इंस्ट्रक्शन सेट्स एंड द हार्डवेयर्स इन ए कोऑर्डिनेटेड वे। तो यहाँ पर इसलिए हमें जो है हार्डवेयर्स पर भी ध्यान देना चाहिए, ये भी हमारी स्पीड को क्या करते हैं जो है इम्पेक्ट करते हैं। द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूटेड द प्रोग्राम इज लैप्स्ड टाइम इज ए मेजर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम। क्या बोल रहे हैं? तो यहाँ पर देखिएगा, जो रिक्वायर्ड टाइम होता है किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, जो लैप्स टाइम होता है, इज ए मेजर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एंटायर कंप्यूटर सिस्टम। जिससे कि यहाँ पर जो है हम कंप्यूटर जो परफॉर्म जो पूरा का कंप्यूटर सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। यहाँ पर इट इज अफेक्टेड बाय द स्पीड ऑफ द प्रोसेसर, जो कि अफेक्ट होता है एग्जीक्यूशन टाइम किसके द्वारा, कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है उसकी स्पीड पे डिपेंड करता है, उससे अफेक्ट होता है। और उसके अलावा द डिस्क एंड द प्रिंटर्स, इनसे भी जो है इसका जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो यहाँ पर मतलब कि डिपेंड करता है इन सभी चीज़ों पर, ठीक है। द टाइम नीड टू बी एग्जीक्यूट ए इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड द प्रोसेसर टाइम। देखिए, किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में जितना भी जो टाइम लगता है उसको क्या कहते हैं, प्रोसेसर टाइम कहलाता है। वो एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में जो टाइम लगता है उसको क्या कहते हैं, प्रोसेसर टाइम कहते हैं। जस्ट एज लैप्स टाइम फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम डिपेंड ऑन ऑल यूनिट इन ए कंप्यूटर सिस्टम। तो ये जो है किस पर डिपेंड करता है, एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम जो टाइम होता है वो आपके जितने भी जो कंप्यूटर सिस्टम की यूनिट्स हैं उन पर डिपेंड करता है।
द प्रोसेसर टाइम डिपेंड ऑन द हार्डवेयर इन्वॉल्व इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंडिविजुअल मशीन इंस्ट्रक्शन. जितने भी जो हार्डवेयर जो इन्वॉल्व हैं प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में, ठीक है, उन सभी पर डिपेंड करता है प्रोसेसर टाइम. ठीक है, द हार्डवेयर कंपेयर्स द प्रोसेसर एंड द मेमोरी विच आर यूजली कनेक्टेड बाय द बस एज शोन. यहाँ पर देखिएगा जो हार्डवेयर हैं और यहाँ पर देखिएगा जो मेमोरी है वो आपस में यहाँ किस तरीके से कनेक्ट है बस से, वो यहाँ पर आपको दिखा रखा है. यहाँ पर ये बस है आपकी ये, ठीक है, ये क्या है, ये बस है. ठीक है, ये बस है और ये यहाँ पर इससे एक इधर मेन मेमोरी आपकी कनेक्ट है, इधर ये प्रोसेसर कनेक्ट है और इसके अंदर ये प्रोसेसर में एक कैश मेमोरी भी जो है यहाँ पर इनबिल्ट की गई है. ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा उसके बाद में क्या बोल रहा है कि जब यहाँ पर देखिएगा द पेंटेनेट पार्ट ऑफ द फिगर सी इज रिप्रेजेंटेड इन फिगर डी विच इंक्लूड द कैश मेमोरी एज पार्ट ऑफ द प्रोसेसर. तो कैश मेमोरी जो है एक जो है प्रोसेसर का ही पार्ट है और ये हमारी जो है स्पीड को इंक्रीज करने के लिए काम में ली जाती है. उसके बाद में देखिएगा हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा. देखिएगा तो यहाँ पर देखिए कि जो कैश मेमोरी है वो कैसे काम करती है, ठीक है, कैसे स्पीड को बढ़ाती है वो हम बता देते हैं. एट द स्टार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन, जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट होता है ऑल द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड द रिक्वायर्ड डेटा आर स्टोर्ड इन मेन मेमोरी. जो डेटा स्टोर होता है मेन मेमोरी में जो रिक्वायर्ड होता है हमें, एज द एग्जीक्यूशन प्रोसेस, जितना भी जो एग्जीक्यूशन उसका जो प्रोसीड होता है उसके अंदर जो है जो इंस्ट्रक्शन है आर फीस्ड वन बाय वन ओवर द बस इनटू द प्रोसेसर. तो यहाँ से देखिएगा जो डेटा है आपका मेन मेमोरी, मान लीजिए आपका कोई डेटा जिसको हमें प्रोसीड करना है, वो आपका बस के जरिए कहाँ जाएगा, प्रोसेसर में जाएगा. यहाँ से कहाँ जाएगा, आपका बस के जरिए प्रोसेसर में जाएगा. प्रोसेसर में जाने के बाद में क्या होगा देखिएगा, एंड ये कॉपी इज प्लेस्ड इन द कैश लेटर इफ, यहाँ पर देखिएगा उसके अंदर जो डेटा है हमारा उसकी एक कॉपी बन जाएगी, पूरे के पूरे डेटा की कॉपी बन जाएगी और कहाँ पर स्टोर हो जाएगी आपकी, वो कैश मेमोरी में, यहाँ पर जो कैश मेमोरी है इसके अंदर आपकी स्टोर हो जाएगी, कैश मेमोरी में स्टोर हो जाएगी वो कॉपी उसकी. अब यहाँ पर आगे क्या होगा, एंड कॉपी इज प्लेस्ड इन द कैश मेमोरी कैश लेटर इफ द सेम इंस्ट्रक्शन और डेटा आइटम इज नीडेड इन सेकंड टाइम द रेडी डायरेक्टली फ्रॉम द कैश. अब यहाँ पर मान लीजिए हमने कोई डेटा ए नाम का डेटा यहाँ से इसमें यहाँ पर प्रोसेसर में दिया, तो वो ए डेटा की, ए नाम के डेटा की एक कॉपी तो इसके अंदर बन गई और बाकी का यहाँ पर वो एक कॉपी टेम्परेरी रूप से यहाँ पर सेव हो गई जब तक हमारा प्रोसेसिंग हो रही है और बाकी का आगे यहाँ पर दूसरी निकल गई वो. ठीक है, उसके बाद में दूसरा डेटा आया, वन बाय वन डेटा आता जाएगा. यहाँ पर ए नाम का डेटा आ गया एक बार, फिर बी नाम का डेटा इसमें जाएगा उसकी भी एक कॉपी यहाँ पर सेव हो गई, फिर सी नाम का. अब मान लीजिए वापस से आपका सी के बाद में ए नाम का डेटा इसमें से फिर से आ रहा है आपका, तो क्या होगा, आपका सीधा का सीधा जो है ये क्या करेगा, ये कैश मेमोरी में जो ए नाम का डेटा था जो एग्जीक्यूट हो रखा था उसको ये डायरेक्टली उठा लेगा. यहाँ पर नए डेटा को ये प्रोसीड नहीं करेगा, अब नया डेटा को अगर वापस से लेगा तो क्या होगा, आपका एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ जाएगा, वापस से उसको जो है रीड करेगा फिर वापस से उसको प्रोसीड करेगा. ठीक है, तो ये सारा जो टाइम है जितना भी ये जो प्रोसेस होता है जो पार्ट होता है इसका वो इसमें बच जाता है और इसीलिए यहाँ पर क्या होता है ये डायरेक्टली जो है उसको सर्व कर देता है पहले वाले डेटा को ये, तो इसलिए ये जो है हमारे टाइम को बचा देता है और इसलिए हमारा जो है टाइम बढ़ जाता है. ये होता है आपका काम कैश मेमोरी का. ठीक है, चलिए समझ में आ गया, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं. देखिए तो देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल आपके सामने लिख रखा है कि कोई नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूटेड हो रहा है बार बार रिपीटली, एक ही तरीके का जो डेटा है वो बार बार जो है एग्जीक्यूटेड करना है हमें. ठीक है, तो यहाँ पर एक क्या होगा कि जो हमारा जो प्रोग्राम है उसके अंदर क्या करेगा, जो कैश मेमोरी है वो इसको स्टोर कर लेगा एक बार. ठीक है, एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम और उसके बाद में बार बार जो है ये क्या करेगा, क्विकली उसको प्रेजेंट कर देगा. कैश मेमोरी जो है उसको बार बार जो है जब भी डेटा की हमें रिक्वायरमेंट होगी खड़ झट से जो है हमारे सामने प्रेजेंट कर देगा. तो इस तरीके से हमारा टाइम बच जाएगा और इसलिए यहाँ पर जो है ये यूज किया. उसके बाद में एक होता है प्रोसेसर क्लॉक. एक यहाँ पर जो आता है इसका हिस्सा वो आता है प्रोसेसर क्लॉक. ये क्या होता है, देखिए प्रोसेसर सर्किट आर कंट्रोल्ड बाई ये टाइम सिग्नल कॉल्ड क्लॉक्स. दो यहाँ पर प्रोसेसर जो सर्किट्स होते हैं, प्रोसेसर सर्किट्स आर कंट्रोल्ड बाय ये टाइमिंग सिग्नल्स और उन्हीं टाइमिंग सिग्नल्स को क्या कहते हैं, क्लॉक कहा जाता है. द क्लॉक डिजाइनर द रूल रेगुलर टाइम इंटरवल कॉल्ड क्लॉक साइकिल. और यहाँ पर जो क्लॉक्स हैं वो एक रेगुलर टाइम इंटरवल के लिए जो है जब वो परफॉर्म करती टास्क तो उसको क्लॉक साइकिल कहा जाता है. जब एक साइकिल के फॉर्म में जो है वो जो टास्क हमारा जो है परफॉर्म हो रहा है रेगुलर एक टाइम के पीरियड के दौरान, एक फिक्स टाइम के दौरान, तो उसको क्लॉक साइकिल कहा जाता है. टू एग्जीक्यूटेड ए मैन मशीन इंस्ट्रक्शन
द प्रोसेसर डिवाइड इन एक्शन टू बी परफॉर्म्ड इन टू द सिक्वेंस ऑफ बेसिक स्टेप्स दैट इज स्टेप्स कैन बी कंप्लीटेड इन वन साइकिल्स। ठीक है, द लेंथ पी ऑफ वन क्लॉक साइकिल इज एन इम्पोर्टेंट पैरामीटर दैट अफेक्ट द प्रोसेसर परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर ये वाला जो लाइन है आपको ध्यान रखनी है, देखिएगा, जो यहाँ पर लेंथ पी ऑफ वन साइकिल इज एन इम्पोर्टेंट पैरामीटर, क्या बोल रहा है यहाँ पर देखिएगा, जो क्लॉक साइकिल की जो मतलब कि वन साइकिल की जो लेंथ है वो एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है जो कि अफेक्ट करता है आपका किसको, यहाँ पर जो प्रोसेसर है उसकी परफॉर्मेंस को। ये वर्ड यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, प्रोसेसर यूज इन टूडेज पर्सनल कंप्यूटर्स एंड वर्क स्टेशन हैव ए क्लॉक रेट दैट रेंज फ्रॉम फ्यू हंड्रेड मिलियन टू ओवर ए बिलियन साइकिल पर सेकेंड्स। ये इसकी मतलब की रेंज बता रखी है क्लॉक रेट्स की, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, बेसिक परफॉर्मेंस इक्वेशंस, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर देख, तो यहाँ पर मान लीजिए, देखिएगा, सपोज दैट द एवरेज नंबर ऑफ बेसिक स्टेप्स नीड टू एग्जीक्यूटेड वन मशीन साइकिल इंस्ट्रक्शन इज एस, इसको हमने कैसे एस मान लिया उसको, ठीक है, वन मशीन साइकिल इंस्ट्रक्शन इज की एस, मान लीजिए वो एस है, वेयर ईच बेसिक स्टेप इज कंप्लीटेड इन वन साइकिल इफ क्लॉक रेट आर, अगर क्लॉक रेट आर मान ली हमने साइकिल पर सेकेंड, ठीक है, तो यहाँ पर जो एग्जीक्यूशन टाइम होगा वो क्या होगा, एग्जीक्यूशन टाइम अगर हमें निकालना है तो वो यहाँ पर आपका हो जाएगा टी इक्वल टू एन इंटू एस अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको ये इक्वेशन ध्यान रखनी है, परफॉर्मेंस इक्वेशन आपको एन एस अपॉन आर होगा, ठीक है। चलिए एक यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है पाइपलाइनिंग एंड सुपर स्केलर ऑपरेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये वर्ड है, ये पाइपलाइनिंग एंड सुपर स्केलर, देखिएगा थोड़ा सा इसको अच्छे से देखिएगा, पाइपलाइनिंग एंड सुपर स्केलर ऑपरेशन क्या होते हैं। सिंपल भाषा में हम रीड करने से पहले आपको बता दें कि पाइपलाइनिंग एंड सुपर स्केलर भी जो है प्रोग्राम की स्पीड, जो हमारा एग्जीक्यूशन टाइम है, जो हमारा प्रोसेस का जो टाइमिंग है उसको बढ़ाने के लिए, उसको यहाँ पर मतलब जो प्रोसेसिंग टाइमिंग है उसको कम करने के लिए यूज किया जाता है, या फिर आप कह सकते हो कि जो स्पीड है उसको फास्ट करने के लिए, जो प्रोसेसिंग स्पीड है उसको फास्ट करने के लिए, और जो टाइमिंग लगता है, जो टाइम लग रहा है उसको, जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में, परफॉर्म होने में, उस टाइम को कम करने के लिए क्या किया जाता है, ये दोनों जो है पाइपलाइनिंग और सुपर स्केलर ऑपरेशंस का उपयोग किया जाता है। जैसे कैश का हमने यूज़ किया था, कैश मेमोरी का, वो क्या करता था, वो भी यहाँ पर क्या करता था, हमारे टाइम को कम करता था, एग्जीक्यूशन टाइम को, उसी प्रकार ये भी उसी की तरह काम करते हैं, ये मेथड है, एक तो पाइपलाइनिंग, एक सुपर स्केलर ऑपरेशंस, इनको कैसे जो है परफॉर्म किया जाता है वो हम देख लेते हैं। वी अज्यूम दैट इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर द अदर, हम मानते हैं कि मान लीजिए कोई इंस्ट्रक्शन है वो क्या हो रहा है, एग्जीक्यूटेड हो रहा है, हमारे ये इंस्ट्रक्शन है तो ये एग्जीक्यूट जब होंगे तो पहले ये वाला एग्जीक्यूट होगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला, वन बाय वन जो है लीनियर फॉर्म में आपके जो है क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूटेड हो रहे हैं। एंड द वैल्यू ऑफ एस इज टोटल नंबर ऑफ बेसिक स्टेप्स और क्लॉक साइकिल्स रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूटेड वन इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। मान लीजिए आगे यहाँ पर देखते हैं, ये सब्सटेंस इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस कैन बी अचीव्ड बाय ओवरलैपिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ सक्सेसिव इंस्ट्रक्शन यूजिंग द टेक्निक कॉल्ड पाइपलाइन, देखिएगा यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक बार फिर से हम थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या होता है कि एक मतलब कि हमें अचीव जो परफॉर्मेंस है उसको यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या करते हैं, एक ओवरलैपिंग को हम यूज करते हैं। अभी मान लीजिए एक इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर क्या मैंने अभी ऊपर बताया कि पहले एक इंस्ट्रक्शन जो है ये क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, फिर तीसरा। अब मान लीजिए ऐसा करें हम कि एक साथ जो है ओवरलैप कर दें इंस्ट्रक्शन को, एग्जीक्यूशन ऑफ सक्सेसिव इंस्ट्रक्शंस, जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है वन बाय वन, अगर उसको ओवरलैप कर दें, यानी कि एक साथ जो है दो इंस्ट्रक्शन हम जो है क्या कर दें, एग्जीक्यूट कर दें या तीन कर दें, तो यहाँ पर देखिएगा ये किसके जरिए पॉसिबल हो पाता है, ये पाइपलाइन टेक्निक के जरिए ये चीज़ पॉसिबल है कि हम जो है एक टाइम पे जो एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है उसी में के दौरान जो है हम क्या करें, एक ही समय में मल्टीपल जो इंस्ट्रक्शन है उनको एग्जीक्यूट कर दें, तो आपका ये जो प्रोसेस कहलाता है पाइपलाइनिंग। और उसके अंदर वो प्रोसेस कैसे होता है, वो ओवरलैपिंग के जरिए होता है,
यानी कि आपका ए इंस्ट्रक्शन है, बी इंस्ट्रक्शन है, तो ये क्या करेगा कि आपके तीनों इंस्ट्रक्शनों को ओवरलैप करके एक साथ जो है यहाँ पर क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये आपका पाइपलाइन टेक्निक है। और ये ऐसा क्यों करते हैं, स्पीड को बढ़ाने के लिए, सिंपल से फंडा है, टाइम को कम करने के लिए, एग्जीक्यूशन टाइम हम जो है कम से कम चाहिए कि जल्दी से जल्दी हमारा प्रोग्राम जो है ये जो है क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाए। तो इसके लिए ये एक पाइपलाइन टेक्निक यूज की जाती है। इसी पाइपलाइनिंग टेक्निक आपके समझ में आ गई, आपको ये एग्जाम्पल दे रखा है इसका एक यहाँ पर, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर दूसरा एक मैंने आपको बताया था कौन सा, स्केलर ऑपरेशन, सुपर स्केलर ऑपरेशन। सुपर स्केलर ऑपरेशन क्या होता है ये, तो यहाँ देखिएगा, अगर हमने अभी हमने जो है किससे यहाँ पर जो हमारा पाइपलाइनिंग है उससे हमने क्या की, प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन टाइम है उसको कम किया और स्पीड को जो है बढ़ाया, किससे, पाइपलाइनिंग से। अब यहाँ पर पाइपलाइनिंग क्या किया कि हमने जो है इंस्ट्रक्शन को ओवरलैप किया और एक साथ जो है यहाँ पर क्या किया, एग्जीक्यूट किया मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को। अगर मान लीजिए हम क्या करते हैं, जैसे कि एक पाइपलाइन है जिसमें हमने मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को यहाँ पर यूज करके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिया, इस टाइम पे हमने केवल एक पाइपलाइनिंग यूज की। मान लीजिए आप मल्टीपल पाइपलाइनिंग यूज करते हैं पैरेलल फॉर्म में, एक पाइपलाइनिंग यूज करी एक साथ आपने, एक और कर ली आपने, एक और कर ली, एक और, यहाँ पर मल्टीपल पाइपलाइनिंग जो है आपने पैरेलल फॉर्म में जो है अगर यूज करके एग्जीक्यूट करते प्रोग्राम में, तो आपका क्या होगा, और ज्यादा, एक तो आपने पाइपलाइनिंग से जो है क्या कर दी, स्पीड को जो है बढ़ा दिया, एग्जीक्यूशन टाइम को कम कर दिया, और उसके साथ एक ही पाइपलाइन की जगह जो है आप मल्टीपल पाइपलाइनिंग टेक्निक्स जो है अपना रहे हैं। तो यहाँ पर एक समय में देखिएगा, इसमें कुछ डेटा इसमें है, कुछ डेटा इसमें है, कुछ इस पाइपलाइनिंग में, कुछ इस पाइपलाइनिंग में, तो कितना डेटा हो गया सारा का सारा अगर आप एक साथ एग्जीक्यूट करेंगे, तो फिर आपका टाइम अपने आप कम हो जाएगा, एग्जीक्यूशन टाइम। तो ये आपका जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, सुपर स्केलर एग्जीक्यूशन। यानी कि इसके अंदर क्या करते हैं हम जो है डिफरेंट इंस्ट्रक्शन के जो है एग्जीक्यूट करने के लिए जो पाइपलाइनिंग टेक्निक है उनको यहाँ पर पैरेलल में काफ़ी सारी पाइपलाइनिंग अरेंजमेंट कर देते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे पाइपलाइनिंग अरेंजमेंट कर देते हैं, और इसलिए यहाँ पर इसको सुपर स्केलर एग्जीक्यूशन कहा जाता है। ये हो गया आपका जो है पाइपलाइनिंग और सुपर एग्जीक्यूशन पर टेक्निक, ठीक है। उसके बाद में क्लॉक रेट क्या होती है, दीज आर टू पॉसिबिलिटीज फॉर इंक्रीजिंग द क्लॉक रेट आर। यहाँ पर देखिएगा क्लॉक रेट यहाँ पर जितनी ज़्यादा होगी हमारे लिए उतना ही बेस्ट होगा, ठीक है। क्लॉक रेट बढ़ाने के लिए यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, उनको यहाँ पर हम देख लेते हैं। इम्प्रूविंग द आईसी टेक्नोलॉजी मेक लॉजिकल सर्किट फास्टर। क्लॉक रेट को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो आईसी टेक्नोलॉजी है उसको यहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हैं, विच रिड्यूस द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ बेसिक स्टेप्स, जो कि टाइम को रिड्यूस करेगी एग्जीक्यूशन को। अलाउ द क्लॉक पीरियड पी टू बी रिड्यूस एंड द क्लॉक रेट टू बी इंक्रीज। उससे क्या होगा कि यहाँ पर जो मतलब क्लॉक रेट है वो क्या करेगी, बढ़ जाएगी हमारी। तो क्लॉक रेट जितनी ज़्यादा होगी हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा, ये बड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा, क्लॉक रेट को रिड्यूस करने के लिए रिड्यूसिंग अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग डन इन वन बेसिक स्टेप आल्सो मेक इट पॉसिबल टू रिड्यूस द क्लॉक पीरियड पी। हाउएवर इफ द एक्शंस दैट हैव टू बी परफॉर्म्ड बाय एन इंस्ट्रक्शंस रिमेन सेम, नंबर ऑफ बेसिक स्टेप नीड में इंक्रीज। तो यहाँ पर देखिएगा जो बेसिक स्टेप्स होती है उनको अगर थोड़ा कम कर दे तो भी आपका जो है क्या हो जाएगा, जो क्लॉक रेट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा इंस्ट्रक्शन की मैंने बात की है, अगर इंस्ट्रक्शन के जो स्टेप्स हैं उनको आप कम करेंगे तो आपका जो है क्लॉक रेट बढ़ेगा। एक यहाँ पर देखिएगा इंस्ट्रक्शन सेट, एक तो CISC आपको ध्यान रखना है और एक RISC आपको ध्यान रखना है। ये दो वर्ड यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इनको थोड़ा सा और देख लेते हैं एक बार। देखिएगा इंस्ट्रक्शन सेट है ये, एक तो CISC है और एक RISC है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, अगर इनको यहाँ देखते हैं तो सिंपल देखिएगा, सिंपल इंस्ट्रक्शन रिक्वायर ए स्मॉलर नंबर ऑफ बेसिक स्टेप्स टू एग्जीक्यूट। जो सिंपल इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ बेसिक सिंपल से स्मॉल जो है जो स्टेप्स हैं वो सही होती है, लेकिन अगर हमें कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन जो है उनको एग्जीक्यूट करना है तो उनके लिए लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स की जरूरत पड़ती है। फॉर ए प्रोसेसर दैट हैज ओनली सिंपल इंस्ट्रक्शन ए लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन मे बी नीडेड टू परफॉर्म ए गिवन प्रोग्रामिंग टास्क। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर मान लीजिए आपका जो प्रोग्राम है अगर वो सिंपल है, सिंपल सा है, तो उसके लिए आप बिल्कुल कम स्टेप्स में जो है आप उसको एग्जीक्यूट कर देंगे, लेकिन यहाँ पर आपका प्रोग्राम काफ़ी बड़ा है तो फिर आपके लिए आप जो है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है आपको क्या करनी पड़ेगी, इंस्ट्रक्शन जो स्टेप्स हैं उनकी आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर देखिएगा यहाँ पर जो नेक्स्ट आता है हमारा, वो है मल्टी प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर।
मल्टी प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है ये थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, नाम से वैसे आपको पता चल रहा है, मल्टी मल्टी मतलब एक से ज़्यादा। ठीक है, मल्टी मतलब कि दो या दो से ज़्यादा, आप ये से कह सकते हैं। ठीक है, तो ये दो या दो से ज़्यादा जो प्रोसेसर जो कनेक्ट होते हैं आपके आपस में, तो उनको मल्टी प्रोसेसर कहा जाता है। लार्ज कंप्यूटर दैट कंटेन ये नंबर ऑफ प्रोसेसर यूनिट आर कॉल्ड मल्टी प्रोसेसर। जो लार्ज कंप्यूटर्स होते हैं जिसमें कई सारे प्रोसेसर कनेक्ट होते हैं आपस में, ठीक है, कई सारे प्रोसेसर्स को यूज़ किया जाता है, उनको कहा जाता है मल्टी प्रोसेसर। ठीक है, वहीं अगर माइक्रो प्रोसेसर की अगर हम बात करते हैं तो माइक्रो मतलब कि सूक्ष्म छोटा। ठीक है, इन कंस्ट्रक्ट टू माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम इट इज आल्सो पॉसिबल टू यूज एन इंटरकनेक्टेड ग्रुप ऑफ कंप्लीट कंप्यूटर टू अचीव ए हाई टोटल कंप्यूटेशनल पावर। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं आप जो है कई सारे कंप्यूटर्स को जो है आपस में ग्रुप कर सकते हैं एक हाई कंप्यूटेशनल पावर को अचीव करने के लिए। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये बेसिक सा नाम से ही आपको पता चल रहा है माइक्रो प्रोसेसर और मल्टी प्रोसेसर में डिफरेंस। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसका ये एक आपका बेसिक जो है जो कंप्यूटर स्ट्रक्चर, बेसिक ऑफ कंप्यूटर स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर डिस्कस किए। अभी इसमें काफ़ी सारा सब बाकी है इसका, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमने फिलहाल जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस किया है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो अभी के इस वीडियो में इतना डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो चुका है, बाकी का पार्ट हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही है, धन्यवाद।